हाँ भाई, क्या हाल चाल तुम्हारे? सब ठीक ठाक? तो कल जो हमारी बातें हुई थी वो डीपीएसपी के बारे में हुई थी। हमने डीपीएसपी के बारे में सभी छोटे और मोटे सभी फैक्ट और सभी चीजें हमने देखी थी और ठीक से समझा था। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ आई होगी और आप सारी चीजों को ठीक से समझ पा रहे होंगे और आपकी जो अध्ययन है, आपकी जो पढ़ाई है, वो जोरदार चल रही होगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़े आज हम? अधिकार दे दिए, उसके बाद नीति निदेशक तत्व पढ़ लिए, उसके बाद जो हमारा टॉपिक पढ़ेंगे वो कौन सा है? मूल कर्तव्य। कौन सा? मूल कर्तव्य। ठीक है, कौन सा टॉपिक? मूल कर्तव्य। ठीक है, मूल कर्तव्य हम पढ़ेंगे। जोश रखा करो यार, थोड़ा ऐसे बिल्कुल चीजें मैं बोलता हूं ना, जब साथ साथ चीजों को बोला करो, उससे चीजें याद हो जाती है। अगर लाइब्रेरी में क्लास ले रहे हो तो मन मन में चीजों को बोला करो, उससे चीजें याद हो जाती है यहाँ की, है ना? ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता उससे संबंधित। ठीक है, तो आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज वाला जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे, है ना? पहले हम समझते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज क्यों जरूरी है ना। अब आप ऐसे समझ लिया ना, एक इंसान है ए, एक व्यक्ति है सी। ठीक है, दो चीजें हमने पढ़ी। कंपैरिजन में एक बार देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। अब ए है, जो ए व्यक्ति है, इसका अधिकार क्या है? इसका अधिकार है स्वच्छ वातावरण का। कौन सा? स्वच्छ वातावरण, अनुच्छेद 21 के तहत है वैसे ना, स्वच्छ वातावरण का इसका अधिकार है। और एक भाई है जो बी है, वो रोज पराली जला रहा है, प्रदूषण कर रहा है, पटाखे जला रहा है, ठीक है, ऐसी बाइक लिए घूम रहा है जिसमें इतनी सारी पीछे प्रदूषण हो रहा है, मतलब टेक्नोलॉजी वाली चीज नहीं है, BS6 वाली चीज नहीं है, बहुत पुरानी आदम जमाने की कुछ वाहन यूज कर रहा है ना। तो उससे क्या है कि जो इसका जो अधिकार है स्वच्छ वातावरण का, क्या उसका सम्मान हो रहा है? नहीं। ये तो जो इनका ए है, इसका जो स्वच्छ वातावरण का अधिकार है वो इसकी वजह से बाधित हो रहा है। इसलिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ी? मूल कर्तव्यों की जरूरत पड़ी कि एक आदमी का कर्तव्य दूसरे का अधिकार हो सकता है। समझे बात? कैसे हो सकता है? इनको स्वच्छ वातावरण का अधिकार है, इनके अधिकार की रक्षा कब होगी? जब ये अपना कर्तव्य निभाएंगे। सेम बात एक दूसरे के लिए। ठीक है, समझ में आई कि मौलिक कर्तव्यों की आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक है, दूसरा, हमारे अगर हम कर्तव्य हैं, कर्तव्य करेंगे, अगर हम कर्तव्य की ओर ध्यान देंगे तो हम देश की सामाजिक उन्नति में भी भागीदार होंगे। किसमें? सामाजिक उन्नति। कौन सी उन्नति? सामाजिक उन्नति, है ना? अगर हम सामाजिक उन्नति पर जोर देंगे तो हम एंटी सोशल एलिमेंट है, सामाजिक तत्वों की तरह नहीं दिखेंगे। ठीक है, सामाजिक उन्नति होगी, हमारे देश का विकास होगा अगर हम, और समाज में नैतिकता बनी रहे। क्या? समाज में नैतिकता, नैतिकता, नैतिकता का स्तर कुछ होगा अगर हम मूल कर्तव्यों का पालन करेंगे। इसलिए हमारे कुछ कर्तव्य हैं जिनका हमें पालन करना आवश्यक है। तो हम एक एक करके आगे देखते हैं मूल कर्तव्य के बारे में कुछ कुछ बातें। मौलिक कर्तव्य क्या? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, कहां से लिए गए मौलिक कर्तव्य? सोवियत संघ से। कहां से? सोवियत संघ से ग्रहण किए हुए हैं, सोवियत संघ से। ठीक है, हम बहुत ज्यादा प्रभावित थे सोवियत संघ से। स्टार्टिंग में हमारा समाजवाद और हमारा झुकाव भी सोवियत संघ की तरफ ज्यादा था, इसलिए इंदिरा गांधी सरकार ने विचार किया कि एक मूल रूप से संविधान में नहीं थे, बाद में जोड़े गए, तो इसलिए इंदिरा गांधी सरकार ने विचार किया कि अगर नागरिकों के कर्तव्य, अगर नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स हैं तो नागरिकों को कुछ ड्यूटीज भी हैं, कि नागरिकों को कुछ कर्तव्य भी दिए जाएं जिससे दोनों का संतुलन हो सके। ठीक है, कहां से लिए गए मौलिक कर्तव्य? सोवियत संघ से। ये बात आप याद रखें, कहां से? सोवियत संघ से। ठीक है, कब जोड़े गए? अभी आपको बताया कि मूल संविधान है ना जो अपना, उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे, तो कौन से संविधान संशोधन जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन।
1976 का 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। किसकी सिफारिश पर, कौन पूछ ली जाता है क्वेश्चन, तो आप याद रखेंगे एकदम स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश। कौन सी समिति, स्वर्ण सिंह समिति, कौन सी बोलो मेरे साथ, कौन सी समिति, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, पहली बात सोवियत संघ से ग्रहण किए गए, दूसरी बात क्लास में याद करनी सारी बात, दूसरी बात 42वें संविधान संशोधन 1976 और किसकी सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। 42वें संविधान संशोधन में बहुत सी चीजें जोड़गी, इसलिए 42 एक बात और याद रखेंगे, 42वां जो संविधान संशोधन है उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्या, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये बात आप अन्यथा में याद रखेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बात देखी, कौन से भाग में है, भाग चार में क्या है बताओ, डीपीएसपी, क्या डीपीएसपी भाग चार में, देखिए यहां देखते हैं एक बार, है ना, भाग तीन में क्या है, भाग तीन में क्या है, फंडामेंटल राइट्स, भाग चार में डीपीएसपी, भाग चार ए में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज। यहां की बात समझ, यहां तक की बात समझ भाई, ये बातें क्लियर है आपको। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो कौन से भाग में, चार ए में। ए क्यों दिया गया, क्योंकि ये बाद में जोड़ा गया, तो इसलिए पांच तो है इसलिए चार तक ही, चार ए को जोड़ दिया गया। कितने से कितने अनुच्छेद तक है, 51A, कौन सा अनुच्छेद, 51A अनुच्छेद। कितने थे मूल रूप से, 10 मौलिक कर्तव्य थे, कितने, 10 मौलिक कर्तव्य थे, कितने मौलिक कर्तव्य थे, 10, एक बाद में जोड़ा गया, कब, 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, कौन सा, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2002 में, और क्या बात जोड़ी गई, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। यहां तक की बातें क्लियर, एक एक बातें आपको याद रहनी चाहिए कि सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य हमने लिए हैं, कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, किस समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, भाग कौन सा, 4A, कौन सा, भाग 4A, तीन में क्या है, फंडामेंटल राइट्स, चार में क्या है, डीपीएसपी, और भाग 4A में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, उसके बाद कौन सा अनुच्छेद में, 51A, कौन सा, 51A, और मूल रूप से कितने मौलिक कर्तव्य थे, 10, और अभी कितने, 11, 11वां कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन द्वारा 11वां जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीजें हम देखते हैं आगे, एक एक मूल कर्तव्य है, इनके की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, की पॉइंट्स जैसे कि जैसे हैं, आपको की पॉइंट्स याद रखने हैं कि अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो आप उसको उत्तर देने में सक्षम है ना, कहीं फिर पंखे की जैसे ऊपर देखो कि पंखा चल रहा नहीं चल रहा, याद होनी चाहिए सारी चीज। ठीक है, 51A में ए में क्या है, भारत के संविधान के आदर्शों, शब्द आप नोट करेंगे, आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। क्या क्या बातें, आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ध्यान रहे इसमें राष्ट्रगीत शामिल नहीं है, ऑप्शन में राष्ट्रगीत ही आता है। ठीक है, क्या, राष्ट्रगीत नहीं, क्या आप लिख लीजिए, राष्ट्रगीत नहीं। ठीक है, उसके बाद बी क्या है, स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों का सम्मान करें। क्या, स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों का सम्मान करें, यहां तक की बात सही है। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं आगे, सी देखते हैं, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता। क्या बातें, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता। संप्रभुता मतलब आपको पता है सॉवरेन। ठीक है, संप्रभु जो अपने निर्णय लेने में बाह्य और आंतरिक रूप से स्वतंत्र है, उसे क्या बोलते हैं, आपको बताई गई थी बातें, संप्रभुता। ठीक था, एकता और अखंडता, अखंडता मतलब भारत का कोई पार्ट भारत से अलग ना हो। ठीक है, भौगोलिक विचार है, और एकता मनोवैज्ञानिक विचार है कि भारत में सब लोगों के बीच में भाईचारा बना रहे, सब लोग एकजुट रहे। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई, आगे देखते हैं डी।
देश की सेवा करना और राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देना, देश की सेवा करना और राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देना, ठीक है। डी इसको थोड़ा इंपोर्टेंट टाइप से याद रखेंगे, और इसको इसमें जो आपको बाद याद रखने पहले में वो क्या है, राष्ट्रगीत शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद नागरिकों के बीच भाईचारा को बढ़ावा देना, धार्मिक और भाषाई बहुलता की रक्षा करना। क्या? भाईचारे को बढ़ावा देना, भाईचारे को बढ़ावा देना और धार्मिक और भाषाई बहुलता, ठीक है। धार्मिक बहुलता कैसे? हमारे देश में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, ठीक है, सिख, इन सब की जो संस्कृति है, जो हमने मौलिक अधिकार में पढ़ा था, उनको उनकी रक्षा करना, भाषाई बहुलता। देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो जितने भी वर्ग हैं उनकी जो भाषा है उसकी रक्षा करना, सबकी भाषा का सम्मान करना, ठीक है। इसलिए नागरिकों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देना और धार्मिक और भाषाई बहुलता, कि हमारा देश में बहुत सारी धार्मिक और भाषाई बहुलता पाई जाती है, उसकी रक्षा करना। आपको दोनों शब्द समझ में आ गए, ठीक है। एवं आगे इसमें क्या बात है, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना, ऐसी कोई भी प्रथा, ऐसा कोई भी कृत्य जो स्त्रियों को दोयम दर्जे पर रखता हो अथवा स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, उनका हम त्याग करेंगे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, ऐसी कोई एक्टिविटी पेश नहीं करेंगे जिससे कि किसी स्त्री की मान हानि हो या उसे दोयम दर्जे पर रखा जाए या उसकी सम्मान को ठेस पहुंचे, ठीक है। यहां तक की बात, ये किसमें, ये बात ई में, याद रखना इसको थोड़ा, है ना। उसके बाद क्या बातें, उसके बाद जो बातें, सामासिक संस्कृति। क्या? सामासिक, सामाजिक नहीं, सामासिक, कंपोजिट, कंपोजिट कल्चर। कंपोजिट कल्चर कैसे? मतलब मिली जुली संस्कृति, जो हमारी मिली जुली संस्कृति है, देश रंगीला है जो हमारा, हमारे देश में तरह तरह के पकवान, तरह तरह की बोली, तरह तरह की भाषा, तरह तरह के हैंडीक्राफ्ट, तरह तरह के गीत, जो इतनी जो हमारी मिली जुली संस्कृति है, कंपोजिट कल्चर है, सामासिक संस्कृति है, उसकी उसको बढ़ावा देना, ठीक है, उसको बढ़ावा देना ताकि देश में एकता और अखंडता बनी रहे, ठीक है। उसके बाद हम जी देखते हैं, पर्यावरण की रक्षा करना। क्या? पर्यावरण की रक्षा करना, कौन सा है जी? पर्यावरण की रक्षा करना, आपके ऐसे कैसे बात याद रहनी चाहिए। उसके बाद एच, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक मनोवृत्ति। क्या? वैज्ञानिक मनोवृत्ति और मानववादी सोच को विकास करना, कि आदमी की प्रवृत्ति रूढ़िवादी नहीं, वैज्ञानिक प्रवृत्ति होनी चाहिए, इसीलिए हमारे देश में टेक्नोलॉजी का विकास होगा और हम विकसित देशों की श्रेणी में अग्रणी रूप से स्थान प्राप्त कर सकेंगे, है ना। कि वैज्ञानिक मनोवृत्ति की जो सोच होनी चाहिए वो रूढ़िवादी नहीं, वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए, है ना। सोचने का तरीका भी मानववादी सोच की, मानव मात्र का भला, ठीक है, को विकास करना। क्या क्या बात है अच्छे में? वैज्ञानिक मनोवृत्ति और मानववादी सोच का विकास करना, ठीक है, यहां तक बात, आगे देखते हैं। उसके बाद आई में, सामूहिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, ठीक है। जो सामूहिक संपत्ति है, हम सबकी संपत्ति है, उसकी रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, मतलब जो हम अगर कोई बात सरकार से हम खपा हैं, सरकार कोई कानून लेके आई, हमें विरोध करने का पूरा अधिकार है, पर हम विरोध अपना शांतिपूर्ण तरीके से भी कर सकते हैं। जो अपनी सार्वजनिक संपत्ति है, सामूहिक, जो हम लोगों की है, जो हम लोगों ने बनाई है, देश की जो संपत्ति किसकी? अपनी है, ठीक है। हम लोगों ने जो संपत्ति बनाई है उसको नुकसान ना पहुंचाएं और हिंसा से दूर रहें, तरह तरह की जो तोड़ फोड़ है उसमें ना इंक्लूड हो। ये भी एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो सामूहिक संपत्ति की रक्षा करे और हिंसा से दूर रहे। तो आगे से ध्यान रखना है, जो भी अपनी बात आपको सरकार के समक्ष प्रस्तुत करनी है, सरकार को कहनी है, उसमें आप सार्वजनिक संपत्ति को ठेस नहीं पहुंचाएंगे और हिंसा नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत से तरीके हैं आपकी बात को सरकार तक पहुंचाने के। उसके बाद जे में क्या है? व्यक्तिगत, क्या? व्यक्तिगत, व्यक्तिगत और सामूहिक क्षेत्र में श्रेष्ठता लाने का प्रयास करना। एक तो व्यक्ति स्वयं खुद को श्रेष्ठ बनाए, खुद की श्रेष्ठता की ओर बढ़े, उत्कर्ष को चूमे, ठीक है। एक तो व्यक्ति खुद श्रेष्ठ बने, अपने अंदर मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति लाए, अच्छे अच्छे गुणों का विकास करे, और इसी के साथ साथ सामूहिक क्षेत्र में भी श्रेष्ठता।
अब सीधी बात, अगर आज इंसान सब लोग अपने आप में श्रेष्ठ होंगे तो सामूहिक क्षेत्र तो ऑटोमेटिक अपने आप श्रेष्ठ हो जाएगा। ठीक है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक है, ये क्या बात करते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक क्षेत्र में श्रेष्ठता लाने का प्रयास करना। उसके बाद के क्या क्या बात करता है, अभिभावकों का यह कर्तव्य, किसका, ये पेरेंट्स के लिए ना, अभिभावक गार्जियंस का यह कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष, कितने वर्ष के, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दें, है ना। अनुच्छेद 24 चाइल्ड लेबर का जो प्रोहिबिशन करता है वही वाली बात कि 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दें, उन्हें घर पर ना रखें, किसी अन्य बाल श्रम या अन्य किन्हीं चीजों में सम्मिलित ना करें ताकि वो शिक्षा के जो अवसर है उनका उससे वंचित हो जाए, जो उनका शिक्षा पाने का अधिकार उससे वंचित हो जाए। इसलिए अभिभावकों का भी ये कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दें। ठीक है, सारी बातें हम एक बार फिर से देखते हैं, है ना, चीजें आपके याद हो जाएगी। सबसे पहले ये बात देखते हैं कि मूल जो कर्तव्य हैं वो कहां से ले गए, सोवियत संघ से, कहां से, सोवियत संघ से ले गए। कब जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, कब, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। यहां तक की बात समझ में आई। उसके बाद किस समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर, कौन सा भाग, 4A अनुच्छेद 51A। ये सारी बातें आप याद रखेंगे, उसके बाद ये सब बातें याद रखेंगे। भारत के संविधान के आदर्शों, संस्था और राष्ट्रध्वज का राष्ट्रगीत शामिल नहीं है, ए। बी में आदर्शों का आदर करना, सी में संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, डी में देश की सेवा करना तथा राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देना। ठीक है, उसके बाद नागरिकों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देना और धार्मिक और भाषाई बहुलता की रक्षा करना। ठीक है, और स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध जो प्रथाएं उनका त्याग करना। एफ में सामाजिक संस्कृति, जो हमारा कंपोजिट कल्चर है, उसको बढ़ावा देना। जी में पर्यावरण की रक्षा करना। एच में जो वैज्ञानिक मनोवृत्ति है और मानववादी सोच है उसका विकास करना। ठीक है, उसके बाद आई में सामूहिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। जे में व्यक्तिगत और सामूहिक क्षेत्र में श्रेष्ठता लाने का प्रयास करना। और के में अभिभावकों का, गार्जियंस का यह कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान कराएं। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हैं, सारी बातें, उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ आई होगी। एक दो बार फिर से क्लास को देखने पर आप सारी बातों को समझने में सक्षम हो जाओगे, चीजों को याद रख पाओगे और एग्जाम में चीजों को गलत नहीं करोगे। और वो ये वाली स्टार्टिंग बताई थी, जो ये वाली स्थिति आपकी नहीं होगी कि ये सही है या ये सही है, दोनों ही सही लग रहे हैं, कर लेते हैं ऐसे कि ये भगवान का नाम ले कैसे, वो वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। ये वाली स्थिति जब होती है जब आपकी चीजों पे पकड़ नहीं होती, चीजें आपको ठीक से याद नहीं होती, लैक ऑफ क्लैरिटी के कारण जो कन्फ्यूजन होता है वो पैदा होता है। इसलिए आपको चीजें याद रखनी है और जो पॉलिटिक हमारी श्रृंखला चल रही है वो ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, आई बात समझ में, धन्यवाद।